तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के मेरठ रोड से, जहां पर एक हादसा होता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे हुआ था हादसा। भैया भैया ये गाड़ी आ रही इधर से, तो उसने जाकर ना बाइक वाले से सीधे कार के पीछे मारी। जो ये ब्रेक कर है ना, इसका किसी को पता नहीं अब तक, इसके चक्कर में एक्सीडेंट हो रहा है। रोज लेके एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। परसों पांव कट गई दिन में सुबह। अभी क्या हुआ था, कैसे हुआ हादसा? अभी कार के पीछे बाइक लगी, अच्छा खड़ी है बाइक पर, चार बंदे उसने ब्रेकर देख के एकदम ब्रेक लगाई होगी, पीछे कालों ने ब्रेकर देख के लगा, इन पे ब्रेक लगे, चार जने सीधे कार के पीछे ठक करी। बाइक पे चार बंदे, हाँ जी बाइक पे चार सवार थे। तो कितने को हाथ मतलब चोट लगी? चोट लगी और जाले एम्बुलेंस में गए सर, जीप तो सबको लगी है, सबको लगी है, घूम लगी सारे को, घूम चोट लगी। तो आप देख सकते हैं, दो फिलहाल देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में आप करनाल के मेठ रोड से, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक एक गाड़ी सवार ब्रेक लगाता है और बाइक पर चार व्यक्ति सवार थे। बताया जा रहा है कि इस बाइक पर चार व्यक्ति सवार थे, अचानक से ब्रेक लगती है गाड़ी से और इस बाइक पर चार व्यक्ति सवार थे, उनसे ब्रेक नहीं लगती और गाड़ी जाकर उनमें टकरा जाती है। और बताया जा रहा है कि चारों व्यक्ति जो इस पर सवार थे उनसे ब्रेक नहीं लगती, उसके बाद वो गाड़ी में जाकर टकरा जाते हैं। और बताया जा रहा है कि इस बाइक पर जितने भी व्यक्ति सवार थे उनको सभी को गंभीर चोटें आई हैं, उसके बाद एम्बुलेंस में उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। डायलेक्ट 112 मौके पर मौजूद है और काफी व्यक्ति यहां पर मौके पर मौजूद है जिन्होंने ये पूरा हादसा अपनी आंखों के सामने से देखा है। करनाल के मेरठ रोड से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें मेगा नगड़ा मेगा चौक के पास की लाइव तस्वीरें हैं, यूपी 19B4332 इस बाइक का नंबर है। इस बाइक पर चार व्यक्ति सवार थे और उसके आगे एक गाड़ी चल रही थी, गाड़ी वाला अचानक से ब्रेक लगाता है। इस बाइक पर चार व्यक्ति सवार थे जिनसे ब्रेक नहीं लगते और अचानक से ये पूरा हादसा हो जाता है। आप सभी से अपील रहेगी खबर को देखने वाले खबर को शेयर अवश्य करें। काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, डायलेक्ट 112 मौके पर पहुंच चुकी है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो चश्मदीद है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और डायलेक्ट 112 मौके पर पहुंचे थे उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं चश्मदीद हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और डायलेक्ट 112 मौके पर पहुंची है उनसे भी बातचीत करेंगे। आप सभी से अपील रहेगी खबर को शेयर अवश्य करें। लाइव तस्वीरें आप अभी भी ब्रेकिंग के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं इस स्प्लेंडर बाइक पर चार व्यक्ति सवार थे और फिलहाल इनको बाइक को आस पड़ोस के गांव में ही रोका जाएगा। और डायलॉग सुबह से कुछ लोग आए थे हमारे पास कि मेरे रोड पे सेक्टर प्लेयर के पास एक्सीडेंट हो गया और हम यहां पहुंचे तो दो इंजर्ड, बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए थे, बाइक पे थे चार और एक करनाल से मेरे असम्बली की तरफ जा रहे थे। तो पब्लिक से पूछा, उनसे उन्होंने बताया कि गाड़ी उन्होंने ब्रेक मार दिया और पीछे से बाइक लग गई उनकी, गाड़ी का पता नहीं चला। तो बाकी उनको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर करनाल पहुंचा दिया और आई चोट दो को आई है, चार जने सवार थे ऐसा बता रहे हैं। हाँ जी चार कह रहे सवार थे, दो को चोट आई है, चारों को भिजवा दिया, फिलहाल चारों को भिजवा दिया। अचानक ब्रेक लगने की वजह से? हाँ जी ब्रेकर की वजह, ब्रेकर है यहाँ पर, तो यहाँ पर गाड़ी वाले ने ब्रेक लिया हुआ तो फिर उन्होंने ब्रेक लिया। तो आप देख सकते हैं ये फिलहाल देखिए डायलेक्ट 112 की टीम मौके पर पहुंची थी और अचानक से ब्रेक लगने की वजह से पूरा हादसा हुआ है। ये ब्रेक है और ब्रेकर है, माफ कीजिए, ये ब्रेकर है और गाड़ी चल रही थी आगे आगे पीछे, एक स्प्लेंडर बाइक पर चार व्यक्ति सवार थे, गाड़ी चालक अचानक से ब्रेक लगाता है तो पीछे बाइक सवार चार व्यक्ति थे और बाइक चालक से ब्रेक नहीं लगती और जाकर बाइक गाड़ी में टकरा जाते, उसके बाद चार व्यक्ति जो सवार थे उनको गंभीर चोट आई है, फिलहाल हॉस्पिटल उनको भिजवा दिया गया है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी खबर को देखने वाले खबर को शेयर।